आपकी जनता न्यूज की खबर। लहार विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष लहार विधायक गोविंद सिंह के समर्थन में सैकड़ों समर्थकों के साथ युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुर प्रताप सिंह का काफिला लगातार दबो आलमपुर क्षेत्र में जनसंपर्क करता हुआ दिखाई। युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुर प्रताप सिंह के साथ सैकड़ों समर्थक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ भारी सघन जनसंपर्क नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थन में जन से अलाव मरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय लहार विधानसभा क्षेत्र में दबो आलमपुर क्षेत्र में युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सैकड़ों समर्थकों के साथ इस समय जनसंपर्क कर रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे राष्ट्रीय सचिव अनुर प्रताप सिंह, जिस तरीके से आप घर घर जा रहे हैं, क्या लग रहा है लहार में इस बार आपको? लहार की जनता ने हमेशा डॉक्टर गोविंद सिंह जी को प्यार दिया, 7 बार इनने आशीर्वाद दिया और 8वीं बार भी उन्हीं को आशीर्वाद मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये पहले से ही तय है। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, 35 वर्षों में क्या विकास किया है डॉक्टर साहब ने? 35 वर्षों में अगर हम गिनाना चाहें तो एक एक चीज लहार को जो आज चाहे वो जिले से स्तर से सुविधाएं हो, स्टेडियम हो, उसके स्विमिंग पूल हो, नगर पालिका की सौगात हो, कोई ऐसा काम नहीं बचा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई भी शायद ऐसी मजरा नहीं बचा जहां रोड ना हो। तो लगभग मुझे तो लगता है हर गांव सड़कों का जाल बिछ चुका है पूरे लहार विधानसभा क्षेत्र में। आप किसी भी गांव में घुस जाइए, कहीं से भी निकल जाइए, तो यह है, ये 20 साल 35 साल जो हो गए हैं उसी की सौगात है। अभी आप जो गांव में पहुंच रहे हैं, जो युवा आपके साथ चल रहे हैं, किस तरीके से समर्थन आपको मिल रहा है? हमेशा से लोगों का, युवाओं का जुड़ाव रहा हमारे साथ और फिर आज चुनाव के समय भी वही स्थिति है। लोगों का हजूम, युवाओं में उत्साह है कांग्रेस के प्रति, कमलनाथ जी के प्रति, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के प्रति। उन्हें विश्वास और आशा है कि जो 19 साल के रोजगार का सूखा है वो कमलनाथ सरकार और डॉक्टर गोविंद सिंह जी की सरकार उसको पूरा करेगी। तो युवाओं का पूरी तरीके से साथ मिल रहा है, जोश के साथ वो हमारे साथ और पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। कौन सी योजनाएं लेकर चल रहे हैं जिनकी बुनियाद पर आप वोट मांग रहे हैं? योजनाओं के नाम पर अगर हम कहें तो चाहे वो किसान की कर्ज माफी हो, किसान के बिजली का बिल माफ़ी हो, 5 हॉर्स पावर की मोटर का कनेक्शन का मुफ्त हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जो रोज़ मिलने वाला पैसा है 500 से लेके 1500 हो, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो, महिलाओं को 1500 रुपये, 500 रुपये में सिलेंडर, 1 लाख रुपये गरीब की बच्ची की सहायता, ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जिनको हम अगर आपको गिनाएंगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं, इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से कांग्रेस के पास, क्योंकि 4 लाख करोड़ का कर्जा तो अभी है। कमलनाथ जी एक परिपक्व और सोचे समझे व्यापारी हैं, उन्हें पता है कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश लेके आना है। ये शिवराज सिंह जी की तरह लोगों, शिवराज सिंह जी जिस तरीके से लोगों का विश्वास खो चुके हैं, पर कमलनाथ जी पे व्यापारियों का और जनता का भी विश्वास है। पिछली बार जो जीत आपकी हुई थी उससे अब बढ़त कितनी बढ़त मान के चल रहे हैं आप? 20,000 के पार हम इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, पहले भी वही प्रत्याशी थे, आज भी वही प्रत्याशी हैं, जो विरोध में है सिर्फ निशान बदले हैं। जो पहले हाथी से था वो भाजपा से है और जो भाजपा से था वो हाथी से, तो कहीं कोई चुनाव में कोई अलग बात नहीं है, वही चुनाव है। और इस बार हम बड़े मार्जिन के साथ, जीत के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस की टक्कर किससे होने जा रही है, बीजेपी से या बहुजन समाज पार्टी से? अब टक्कर का हमें कोई पता नहीं है, हम तो ये जानते हैं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं एक बड़े मार्जिन से। दूसरे और तीसरे की लड़ाई वो लोग तय करें कि किसको दूसरे पे पहुंचना है, किसको तीसरे पे रहना है। हम तो पहले नंबर वन की लड़ाई लड़ते रहे, वो आज भी नंबर वन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि इससे कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। आप लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रच के चुनाव जीतती रही है हमेशा से। जहां जहां जब वो चुनाव जीतने में विफल हुए तो उन्होंने लगातार षड्यंत्र रचे, उन्हीं षड्यंत्रों के तहत हमारे एक कार्यकर्ता मानवेंद्र सिंह मोंटी पे आरोप लगाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा
कि हम किसी भी व्यक्ति के मारपीट या हमले के सख्त विरोधी हैं। मानवेंद्र सिंह पे मुकदमा दर्ज हुआ, मानवेंद्र सिंह ने विधायक पद से, प्रतिनिधि पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो षड्यंत्र पूर्वक ये चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, इन्हें पता है ये चुनाव हार रहे हैं, तो ये लगातार कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र खोजते हैं, निकालते हैं। आज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कई लोगों के झूठे वीडियो वायरल होते रहते हैं, तो ये सब षड्यंत्र पूर्वक एडिटिंग और कटिंग का जमाना है। कहीं किसी का भी चेहरा, किसी की भी आवाज़ किसी से जोड़ दो और चला दो। डॉक्टर साहब, इस समय पूरा मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, चंबल संभाग की कई जिम्मेदारियां उन पर हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को समझ रहे हो, कहाँ कहाँ पहुँच पा रहे हो कि नहीं पहुँच पा रहे, सुबह कितनी जल्दी जग जाते हो, कितनी देर तक काम करते हैं, कैसे क्या चल रहा है आपका? सुबह 6 बजे जागना होता है जी। और पूरे दिन लोगों के बीच में निकल जाता है, रात को 11 और 12 1 तक बजता है, लगातार जनसंपर्क में, और हमारी प्रयास है कि लगभग सभी गांव में एक बार फिर से पहुंचे। हम लोग तो 5 साल लगातार चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कहीं नहीं भी पहुंचेंगे तो हमारे कार्यकर्ता और पब्लिक जनता है समझती है कि ये 5 साल हमारे बीच में आए, एक बार चुनाव पे अगर नहीं भी आएंगे तो वो लोग मानने को तैयार हैं। पर उन लोगों का क्या होगा जो 5 साल घरों में छुपे रहे, दुके रहे, वो लोग बड़ा सवाल है कि वो कैसे पहुंचेंगे जनता के बीच में। तो हमें तो पूर्ण आशा और विश्वास है कि हम लोग चुनाव बड़े मार्जिन से, लंबे मार्जिन से जीतेंगे, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई बीच में लाहौर जनपद पंचायत के पूर्व विधायक मंत्री रमाशंकर सिंह चौधरी जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है? पिछली बार कांग्रेस को इन जिन गांवों से भारी जीत मिली थी आपके आलमपुर सेक्टर के गांवों में, इस बार कैसा लग रहा है? इस बार पहली बार से भी ज़्यादा उत्साह और जोश हमें हर गांव में देखने को मिल रहा है। पिछली बार हम आलमपुर ग्रामीण सेक्टर में हर एक पोलिंग जीते थे, इस बार हमें जो जिस तरह से लोगों का उत्साह हम देख रहे हैं, उससे हमें लग रहा है कि अन्य पार्टियों का सूबड़ा साफ होगा और यहाँ एक तरफा कांग्रेस चलेगी, डॉक्टर गोविंद सिंह की एक तरफा जीत होगी। चुनौती क्या सब मान रहे हैं इस बार आप? चुनौती तो कोई है ही नहीं, ना कोई चुनौती है, ना कोई चैलेंज है, और ना कोई चुनाव है। चुनाव उनके लिए है जो केवल 5 साल में एक बार चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह हर दिन, हर महीने, हर साल चुनाव लड़ते हैं, उन्हें चुनाव हो या ना हो, वो सतत जनता के संपर्क में रहते हैं। डोर टू डोर उनका कनेक्टिविटी, उनका लोगों से सीधा संवाद और संपर्क रहता है। तो कांग्रेस के लिए कोई ना चुनाव है ना चुनौती है, चुनौती उन लोगों के लिए है जो अवसरवादी लोग हैं, जो समय पर केवल राजनीति का एक तरह से वोट और लोगों को ठगने के लिए आते हैं, उनके लिए चुनौती और चुनाव होगा। डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए ना कोई चुनौती है ना कोई चुनाव है। आप आलमपुर क्षेत्र देख रहे हैं, आलमपुर क्षेत्र में विकास के मामले में देखा जाए तो क्या विकास कराया है अब तक? आलमपुर क्षेत्र में अभी आपको जो मृगा नदी है उस पर पुल बन रहा है, ये विकास है, उदाहरण है हमें कि आपको भी देखने को, सबको देखने को मिल रहा है। गांव-गांव में सड़कें आज अपन जिस तरह से अभी रुआ जा रहे हैं तो चौतरफा से सड़कें हैं, रूसी हो चाहे बड़रा हो चाहे भड़ेरी हो चाहे गांगीपुरा हो चाहे गैथरी हो चाहे कुर्था, हर गांव के लिए संपर्क। कई गांव में तो 2-2, 3-3 सड़कें हैं, हमारे गांव में 4 सड़कें हैं। हम अपने गांव से जगदीशपुरा से मरौली भी सीधा जा सकते हैं, आलमपुर भी जा सकते हैं, दबो भी जा सकते हैं, दबो के लिए तो 3-3 सड़कें हैं, ये विकास है। पावर हाउस भी बनने जा रहा था आपके एरिया में? पावर हाउस बनने जा रहा था लेकिन सरकार बनते ही फिर पावर हाउस बनेगा, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी तो जगदीशपुरा में 32 KVA का विद्युत पावर हाउस स्वीकृत किया था, उसके लिए जगह भी अलॉट हो गई थी लेकिन बजट नहीं मिल पाया था, तब तक हमारी सरकार चली गई, इससे वो योजना अभी अधूरी है। सरकार बनते ही हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे क्षेत्र के नेता उसको सबसे पहले प्राथमिकता से लेंगे और सबसे पहले ग्राम जगदीशपुरा में 32 KVA का पावर हाउस, विद्युत पावर हाउस बनेगा। थकावट हो जाती होगी सुबह से शाम तक घर पहुंचते होंगे रात के 12 बजे? स्वाभाविक है, जब सुबह से निकलेंगे, सुबह 6-7 बजे जाके रात के 12-1 बजे पहुंचेंगे, वो करीब करीब एक दिन में 8 से 10 गांव जाना होता है, तो लगभग हर गांव में जनसंपर्क डोर टू डोर जाने में लगभग 10 से 15 किलोमीटर पर डे चलना होता है, कभी कभी 20 किलोमीटर तक भी चल लेते हैं, तो थकेंगे, स्वाभाविक है। इस थकावट का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना अच्छा मिलेगा पिछली बार की अपेक्षा?
जनता हमेशा से थकावट और मेहनत का फल देती रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। उस समय युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए थे। हम अरूसी गांव में थे और दबो आलमपुर क्षेत्र में उन्होंने सम्मान रखा है। अनुज प्रताप सिंह जी देख रहे हैं, ऐसे में देखना है कि जो समर्थक उनके साथ चल रहे हैं और जनता का जो समर्थन उनको मिल रहा है, क्या वाकई रूप में ये कांग्रेस पार्टी के रूप में तब्दील होगा या आगामी देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जनता दल के साथ, कैमरामैन पंकज कुमार के साथ राजा भैया पाल, नमस्कार। दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।